नमस्कार, मैं मिथिलेश पटेल और आप देख रहे हैं न्यूज बकेट। गांव गांव की जमीनी हकीकत दिखाते दिखाते आज हम लोग शिवपुर विधानसभा के अंतिम पड़ाव यानी कि मोकलपुर गांव में पहुंच चुके हैं। इस गांव के प्रधान निर्मला जी हैं, जिनके सुपुत्र से आज हम लोग बात करेंगे और प्रधान प्रतिनिधि से जानेंगे कि गांव में क्या क्या समस्याएं हैं जिन्हें उन्हें दूर करना होगा। तो बने रहिए और देखते रहिए न्यूज बकेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बकेट और हमारी टीम आ पहुंची है शिवपुर विधानसभा क्षेत्र के मोकलपुर गांव में। मोकलपुर की क्या है समस्या, कैसे होगा इसका समाधान, यह जानने हम आ गए यहां गांव में। और यहां मेरे साथ इस वक्त इस गांव की प्रधान है, महिला प्रधान है। पहली बार कैमरे पर इस तरह से सामना होता है तो थोड़ी बहुत हिचकिचाते हैं लोग, लेकिन देखते हैं। पहले आप अपना परिचय दें, क्या नाम है आपका? निर्मला देवी। इसके पहले भी प्रधानी रही है या पहली बार है? नहीं, दूसरी बार है। दूसरी बार है। तो क्या काम करना है आपको आगे इन 5 सालों में? हमको सबका विकास करना है। गांव की मुख्य समस्या क्या है? गांव के मुख्य समस्या जो जो नहीं है वो हमको चाहिए। तो आप जैसे 5 साल रहेंगी प्रधान, है ना, तो कौन सी काम आप पहले कराना चाहेंगी? आपको लगता है कि गांव की ये समस्या खत्म हो जानी चाहिए, वो समस्या पहला सबसे बड़ा क्या है? सबसे बड़ा हमारे यहाँ जो है कि मतलब सोता में जो न कि बहुत दिक्कत होता पानी की वजह से, पानी की बाढ़ आ जाता है। हाँ, ठीक है। तो अब हम इनके प्रतिनिधि से यानी इनके सुपुत्र से बात करते हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ग्रामीण महिलाएं जो हैं उनको इसीलिए पंचायत में 33% आरक्षण मिला कि वो कम से कम मुख्य धारा की चीज़ों को समझें। थोड़ा वक्त लगेगा, भारत की राजनीति इतनी परिपक्व नहीं हुई है, इसको समझने में थोड़ा वक्त लगेगा। मेरे साथ उनके सुपुत्र हैं, अपना नाम बताएं आप। वीरेंद्र कुमार। पहले जब इसके प्रधानी रही तो कितना काम उस समय आप कर पाए? काम मेरे से जितना हुआ सर, मैंने बहुत कोशिश किया, गाँव का विकास किया, जो खड़ता है नाली है सीवर मैंने सब लगवाए। फिर उसके बाद समय कम था इसके लिए मैं नहीं कर पाया। दोबारा गांव वालों ने आप पर भरोसा जताया है, तो इसको लेकर आप कितना मतलब उत्सुक हैं और क्या काम करवाना चाहते हैं? इस बार तो मेरा काम बहुत तेज़ी से चलेगा। मैं ये सोच रहा हूँ मेरे जितना योजनाएँ रहेंगी ब्लॉक सभा से कुछ भी हो, समथिंग साठा वृद्धा पेंशन कुछ भी, तो मैं उसको मतलब ज़्यादा से ज़्यादा करवाऊँगा। फिर रोड नाली खड़पा खड़ंजा मतलब सारी सारी सुविधाएं। पेयजल की व्यवस्था कैसी है यहाँ पे, क्योंकि पानी हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा पीने में कुछ अजीब सा लग रहा है। मतलब पेयजल का ये जो जल निगम का लगा है ना, अभी प्रॉपर हम लोग के यूज नहीं हो पा रहा है। अभी सीबर लगा है वो मैं अपनी तरफ से अभी करवा रहा हूँ, उसका कोई मतलब कि ना सेक्रेटरी या प्रधान उसका अकाउंट से कुछ पैसे मिलने वाले नहीं है। लेकिन हमारे अलग रोड बहुत खराब हो गया है, इसके लिए मैं अपने हिसाब से करवा रहा हूँ अपनी तरफ से। ये चूंकि ढाब क्षेत्र में है तो इस वजह से बाढ़ प्रभावित इलाका है ना, तो उसको निपटने के लिए बाढ़ से कम नुकसान हो इसको लेकर कोई प्लानिंग है? इसके लिए तो मतलब पहले बहुत हम लोग को प्रॉब्लम है, अभी थोड़ा पुल बन गया है मुस्तफाबाद के लिए तो हम लोग का आवागमन अच्छा हो गया है। लेकिन हम लोग को ज़्यादातर नियर बाई में ये सोता है जो कि वहाँ पर अम्बा से लेके मोकलपुर चौराहे तक, मतलब हम लोग को यही प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट करता है। ठीक है, तो गांव के कुछ लोग हैं, आप इसी गांव से हैं, तो बताइए कि कौन सी समस्या है जिस पर ध्यान देने की जरूरत है पंचायत स्तर पर कम से कम इसको सॉल्व? सोता की समस्या है इसमें। सोता क्या है, जैसे हमारे दर्शक सुनेंगे तो उनको सोता पहली बार में समझ में नहीं आएगा, उसको थोड़ा सा आप समझाइए कि क्या है सोता? सोता गंगा का जो छोर होता है उसको छोटा होता है उसे सोता बोलते हैं। तो उससे इस गांव वालों को क्या परेशानी हो रही है? इससे गांव वालों को ये समस्या है कि मतलब बारिश जब होती है कीचड़ हो जाता है, आवागमन नहीं हो पाता है, यही समस्या है। उसको सॉल्व करने की जरूरत है। और भी लोग हैं गांव के कुछ, तो उनसे थोड़ा बातचीत करते हैं। चाचा अपना नाम बताइए। संजय सिंह। और आपको क्या लगता है कि पंचायत स्तर पर कुछ बदलाव हुआ है यहाँ पर? नहीं, यहाँ पे चेंजेबल तो बहुत हुआ है, पहले से जो भी प्रधान नए हुए हैं वो चेंजेबल किया है इन्होंने, इनका भी विगत 5 साल में काम किए थे। अभी ये तो अभी फिलहाल प्रेजेंट टाइम में हुआ है, वर्तमान में है। अभी हम लोगों का सबसे समस्याएं हैं यहाँ पे सबसे साधन का, ये जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ये सोता, जो सोता बोलते हैं क्या, नदी का ही एक पार्ट है और ये पार्ट जो है 5 गाँव को डिवाइड कर देता है और जा करके दूसरे गाँव में मतलब वहाँ पे देवरिया के पास में सम्मिलित हो जाता है गंगा नदी में। अब उसको लेकर के हम लोगों को बारिश के समय 4 मंथ इन 1 ईयर जो 4 महीना जो है साल में वो सबसे बड़ा डेंजरेबल होता है हर चीज़ का, कोई भी साधन। अभी पानी काफ़ी बढ़ गया अगर नदी में तो फिर हम लोगों के लिए एक बोट ही ऐसी सहारा है, नौका
जो कि इधर से उधर हम लोग जा सकते हैं, कहीं गंतव्य हो सकते हैं। मुख्य धारा से आप लोग कट जाते हैं? धारा से कट जाते हैं। तो अभी सबसे बड़ी चीज़ क्या, अगर ये संज्ञान में सरकार, क्योंकि ये गांव सभा से नहीं होने वाला है और ये कोई भी प्रधान नहीं कर सकता है, वीडियो कोई नहीं कर सकता, ये जब भी होगा ये प्रधान जो है इसके बारे में ऐसा कुछ इत्तला देंगे, उसके बाद यहाँ से सीधे सरकार के ऊपर ये निर्भर करता है। सरकार अगर यहाँ पे चाहती तो छलका वगैरह का व्यवस्था बनाए या किसी कोई भी ऐसा बोर्डर वगैरह की व्यवस्था बनाए जो कि इस ढाब क्षेत्र का पूरा ये पांच गांवों का जो विकास हो। मतलब आप कह रहे हैं कि ये हो सकता है विधायकी या सांसदी कोटे से इस काम संभव है? हाँ हाँ, ये काम जो है कोई भी जैसे MLA MP हैं ये लोग चाह सकते हैं, मंत्री जी हैं वो कर सकते हैं, यहाँ पे मंत्री जी हैं चाहें तो वो कर सकते हैं। रोजगार को लेकर स्थिति क्या इस गाँव में, क्या काम धंधा है लोगों का या किस तरह से अभी चल रहा है? काम धंधा सर यही है, सब अपने अपने खेती बाड़ी में सब लगे हैं यहाँ पर, तो काम तो इससे रोजगार में यहाँ बहुत कुछ नहीं है। तो जैसे मान लीजिए कि कुछ बेहतर जिंदगी जीने की जिनकी ख्वाहिश है वो और बेहतर कुछ करना चाहते हो, कहाँ जाते हैं काम करने? काम करने के लिए बाहर जाते हैं, बाहर कमाने के लिए आते हैं, कमा कर आते हैं, अपना रोटी रोजी रोटी वाला काम करते हैं यहाँ पर। यहाँ तो और कोई ऐसा न तो कोई फैक्ट्री है, न तो कोई कंपनी है कि उसमें गाँव वाले काम करें, कुछ ऐसी भी सुविधा यहाँ पर नहीं है। तो ये हमारे साथ थे मोकलपुर गांव के कुछ लोग और प्रधान से हमने आपको बात करके सुनाया है। लगातार हम आपको ऐसे तमाम और गांवों से रिपोर्ट्स दिखाते रहेंगे, तब तक आप हमारे साथ बने रहिएगा, देखते रहिए न्यूज बकेट। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका, पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉग इन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।